हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन थर्ड में सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था, आज हम फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं। इस मुसीबत का अंदाज करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम, लेसन का नाम, उसके बाद में लेखिका का नाम मतलब लेखक का नाम, उसके बाद में यहाँ पे जो इस गद्यांश में दोनों बच्चे चिड़िया और उसके जो बच्चे के रहन सहन की चिंता सता रही है उन्हें। व्याख्या है कि केशव और श्यामा, पर्याप्त दाना न मिलने के कारण चिड़िया के जो बच्चे हैं मर जाने की आकांक्षा से घबरा कर छज्जे पर थोड़ा सा दाना रख देने का फैसला करते हैं। कि केशव और श्यामा सोच रहे हैं कि अगर चिड़िया के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दाने नहीं मिलेंगे तो वह मर सकते हैं, इसलिए उन्हें दाना पानी रखने का फैसला करते हुए कह रहे हैं। इस फैसले से श्यामा इस बात को अत्यंत खुशी होती है इस फैसले से श्यामा बहुत अधिक खुश होती है। चिड़िया को भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अगर चिड़िया के बच्चों को खाने की पीने की व्यवस्था कर दी जाएगी तो चिड़िया को बच्चों को अकेला छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। केशव उसका समर्थन करता है, परंतु श्यामा उन बच्चों के लिए धूप लगने की चिंता होने लगी कि श्यामा को उन बच्चों को धूप मतलब जो चिड़िया के बच्चे हैं उनको धूप लगने की भी उनको चिंता होने लगी। केशव का ध्यान इस ओर नहीं गया, परंतु जब श्यामा ने उसे ध्यान दिलाया तो उसने श्यामा से कहा कि चिड़िया के बच्चों को धूप से कष्ट हो रहा होगा, वे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई छाया भी नहीं है। अतः दोनों ने घोंसले के ऊपर कपड़े की छात बना देने, पानी की प्याली व थोड़े से चावल रखने का फैसला किया। कि उसने उससे कहा कि जो केशव है, केशव ने यह किया कि बेचारे के छत्तों बेचारे को गर्मी में धूप में गर्मी भी लगती है और प्यास के पानी से प्यासे रह रहे हैं, तो उनको छाया देने के लिए कपड़े का छत बना देनी चाहिए और प्याली में पानी और थोड़े से चावल रख देने का फैसला किया। इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है कि दोनों बच्चे किस मुसीबत का अंदाज़ा करके घबरा उठे। दोनों बच्चे इस मुसीबत का अंदाज़ा करके घबरा उठे। चिड़िया के सारे जो बच्चे हैं उस पेट भरने के लिए जितना दाना चिड़िया कहाँ से लाएगी, कि जो बच्चों का पेट भरने के लिए दाना चिड़िया कहाँ से लाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि श्यामा को किस बात की खुशी हुई और किसने क्या कहा। श्यामा को छज्जे पर दाना रखने का फैसला करने से उनको खुद खुशी हुई, उसने कहा तब तो चिड़िया चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन है, केशव का ध्यान किस तकलीफ की तरफ नहीं गया। तो केशव का ध्यान चिड़िया के बच्चों को धूप लगने और प्यास के मारे तड़पने तथा उनके ऊपर कोई छाया न होने की तकलीफ की तरफ नहीं गया। केशव और श्यामा ने अंत में क्या फैसला किया। तो केशव और श्यामा ने अंत में यह फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाकर उसमें पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का फैसला किया। आगे देखिए, फिफ्थ पैराग्राफ देखिए आप। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, मतलब जो उनको धूप लग रही थी उसको छाया करने के लिए वो कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़े ठहरेंगे कैसे और छड़िया खड़ी होगी कैसे।
केशव बड़ी देर तक इस असमंजस्य में बन गया। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। संदर्भ देखिए, वही पुस्तक का नाम, वो लेसन का नाम, उसके बाद में रचिता का नाम। इसमें दोनों बच्चे पूरी तरह मतलब अपने मन के साथ चिड़िया और उसके बच्चे के रहने की व्यवस्था करने लगे। व्याख्या है कि केशव और श्यामा ने छज्जे पर चिड़िया तथा उसके बच्चों के रहन सहन की व्यवस्था बड़े मतलब अपने मन से पूरी तरह से करने लगे। श्रद्धा से माँ से छिपकर श्यामा ने मटके में से चावल निकाल आए और केशव पत्थर की प्याली का तेल चुपचाप से ज़मीन पर गिराया और उस प्याली में खूब साफ करके कर दिया और फिर उसमें चिड़िया तथा उसके बच्चे के पानी पीने के लिए पानी भर दिया। दोनों बच्चों ने अब उसके रहने सोने की व्यवस्था मतलब चिड़ियों के जो बच्चों के रहने सहने की व्यवस्था, रहने और खाने की व्यवस्था बड़े तन मन से किए। और बाद में माँ जो श्यामा है वो अपनी माँ से छुपकर जो मटका है उसमें से चावल निकाल आई। केशव पत्थर की प्याली में से तेल चुपचाप से ज़मीन पर गिराया और उस प्याली को खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। फिर चिड़िया और उसके बच्चे के लिए पीने का पानी उसमें भर दिया। उसके बाद में चिड़िया के घोंसले पर छाया करने की समस्या आई कि उसके बाद में जब पानी की व्यवस्था कर दी उसके बाद में चिड़िया के जो घोंसला है उस पर छाया की समस्या उनके सामने आई। घोंसले के ऊपर जो तना कपड़ा तनता वह कहाँ से लाया जाएगा, वो कपड़ा घोंसले के ऊपर ठहरेगा कैसे, उसके लिए छड़ियाँ कैसे खड़ी की जाएगी, यह विचार काफ़ी देर तक उसके मन में ही चल रहा था। अंत में केशव इस समस्या का समाधान भी निकल आया। पहला क्वेश्चन है कि दोनों बच्चे बड़े चाव से क्या काम करने लगे, तो दोनों बच्चे बड़े चाव से चिड़िया और उसके बच्चों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करने लगे। सेकंड है, श्यामा ने दाने की व्यवस्था कैसे की, तो श्यामा ने दाने की व्यवस्था अपनी माँ से आँख बचाकर मटके से चावल निकालकर की। थर्ड क्वेश्चन है कि केशव ने चिड़िया तथा उसके बच्चे के लिए उस किसमें पानी भरा, तो केशव ने चिड़िया और उसके बच्चों के लिए पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन में गिरा दिया और खूब साफ करके उसमें पानी भरा। केशव किस उलझन में फंस गया, मतलब उसे समझ में नहीं आया कि उस पे कपड़ा कैसे टिकेगा, वो जो लकड़ियां हैं या छड़ियां हैं वो कहाँ से आएगी, कहाँ ठहरेगी, उस पे कपड़ा कैसे बनेगा और उन जो छड़ियां हैं उसको घोंसले के ऊपर खड़ा कैसे कर किया जाएगा, इस समझस में वह फंस गया था। इस प्रकार आज हमने आपका फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया है। आज का आपका होम टास्क यही है, इन दोनों पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर और इनके वर्ड मीनिंग ये आपको कंप्लीट करने हैं, साथ के साथ इन्हें लर्न भी करना है, अब तक का वर्क फुल कंप्लीट करना है। बाय बाय, थैंक यू।